हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? मैं अरविंद, आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपकी अपनी क्लास अरविंद सर साइंस में। कैसे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे कैटेनेशन के बारे में, मेन श्रृंखलन। श्रृंखलन क्या होता है एक्चुअल में? देखो, नाम से ही पता चल रहा है, श्रृंखलन मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं, जो भी तत्व होते हैं, वो क्या होते हैं, समान तत्व द्वारा, मतलब सेम वही तत्व मिलकर एक लंबी चेन बनाते हैं, तो उनके इस प्रॉपर्टी को कैटेनेशन मतलब श्रृंखलन कहते हैं। ठीक है, चलो इसको हम लोग विस्तार से देखेंगे। ठीक है, श्रृंखलन। ठीक है, कैटेनेशन। ठीक है, तो ये कैटेनेशन क्या होता है? मैंने आपको क्या बताया कि किसी एक तत्व द्वारा, मतलब किसी एक तत्व द्वारा समान तत्व कि जब एक लंबी चेन बनती है, उसे क्या बोला जाता है? श्रृंखला। और उसके इस गुण को क्या बोला जाता है? श्रृंखलन बोला जाता है। ठीक है, जैसे हम बात करें कैटेनेशन की, तो आपने देखा होगा कि आज तक में एक ऐसा कौन सा तत्व है जो सबसे ज्यादा श्रृंखलन का गुण प्रदर्शित करता है? मैंने क्या बताया कि जो भी तत्व होगा तुम्हारा, सपोज आपने लिया कार्बन, तो कार्बन कार्बन ही जुड़ के एक लंबी चेन बनाएंगे, एक लंबी श्रृंखला बनाएंगे, तो इसके इस गुण को हम क्या बोलेंगे? श्रृंखलन बोलेंगे। ठीक है, तो अब तक आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा ये श्रृंखलन की प्रॉपर्टी, श्रृंखलन का गुण सबसे ज्यादा किसमें देखा गया? कार्बन में देखा गया। ठीक है, किसमें देखा गया? कार्बन में। ठीक है, क्योंकि कार्बन के अब तक मैंने आपको प्रीवियस क्लास मैंने बताया कि 3 मिलियन से ज़्यादा, 3 मिलियन से ज़्यादा यौगिक पाए जाते हैं। उसके पीछे वजह यही है कि इसमें श्रृंखलन का गुण बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये श्रृंखलन क्या होता है और अच्छे से हम समझेंगे कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है। देखिए, जो आपका श्रृंखलन होता है वो पहली बात तो क्या होता है, सीधी, ठीक है, सीधी श्रृंखला जिसे हम अशाखित भी बोलते हैं, अशाखित। और अगला होता है आपका शाखित श्रृंखला। ठीक है, शाखित विवृत श्रृंखला। और नेक्स्ट आपका बंद श्रृंखला। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका? बंद श्रृंखला जिसे हम वलय के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम बारी बारी से सबको देखेंगे कि सीधी श्रृंखला क्या होती है, साखी श्रृंखला क्या होती है और बंद श्रृंखला क्या होती है। देखो, जो सीधी श्रृंखला होती है उसका नाम क्या है? अशाखित, मतलब इसमें किसी तरीके का शाखा नहीं होती। चलिए देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे अशाखित, ठीक है, अशाखित कार्बन श्रृंखला की। ठीक है, अब वो श्रृंखला किसी भी की हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये जो श्रृंखला बनाने की प्रॉपर्टी किसमें देखी गई? कार्बन में। तो बेसिकली हम कार्बन के बारे में ही बात करेंगे। तो जैसे आपका कार्बन हुआ, तो अशाखित विवृत श्रृंखला। ठीक है, अशाखित विवृत श्रृंखला, तो इसमें देखना है कि कोई शाखा नहीं होती। कोई शाखा होने का मतलब क्या? जैसे सपोज ये कार्बन है, अब आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? चार होती है। तो एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर अगला कार्बन जुड़ेगा भाई, तभी तो चेन बनेगी ना। तो क्या हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से बॉन्ड लगाते चले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से कार्बन क्या होता जाएगा, जुड़ता चला जाएगा। देख पा रहे हैं आप? तो इसमें आपकी मुख्य श्रृंखला क्या होगी? यही होगी। इसमें किस तरीके की चेन है? सपोज अगर यहां पर मैं इस तरीके से जोड़ दूं एक कार्बन और इसका, तो क्या हो जाएगा, इसकी शाखा बन जाएगी। बट यहाँ पर ऐसी कोई शाखा नहीं है। अशाखित का मतलब यहाँ इसमें इस तरीके की, यहाँ मतलब कोई शाखा नहीं होगी। अब देखो इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर मैंने ले लिया, सपोज मैं आपको बोल दूँ, मान लो मैं बोल दूँ C4H10। ठीक है, C4H10, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा जरा ध्यान से देखना। क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। ठीक है, तो कार्बन का कैसा गुण है? श्रृंखलन। क्योंकि यहाँ देखो कि चार कार्बन देखो इस तरीके से आपस में बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं ना,
ठीक है, सहसंयोजी बंध के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब श्रृंखलन में क्या होता है कि जो भी समान परमाणु आपस में जुड़े होते हैं किसके द्वारा, सहसंयोजी बंध के द्वारा, और इसी सहसंयोजी बंध के जुड़े होने के कारण इनमें बहुत ज़्यादा अस्थायित्व तो होता है, बहुत ज़्यादा प्रबल संबंध होता है इसमें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए अब इसको चाहो तो हम इस तरीके से फैला सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरीके से एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दिया मैंने, एक यहाँ, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर एक कार्बन लिया मैंने, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, फिर सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ, और एक हाइड्रोजन यहाँ, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ। इस तरीके से देखिए सब कुछ आपका वैसे दिखा कि नहीं दिखा, इसका मतलब जैसे आपका ये क्या हो गया, ब्यूटेन। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आ गया, अशाखित द्विवृत्त श्रृंखला के अंतर्गत आया आपका। इसी तरीके से हम कोई कितनी भी लंबी चेन बना देंगे उसमें अगर कोई शाखा नहीं जुड़ी है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अशाखित द्विवृत्त श्रृंखला। ठीक है, चलिए ये तो हुआ आपका, नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्लास को, आप लोग शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, चलिए आगे देखें, यहां पर शाखित विवृत श्रृंखला, ठीक है, शाखित विवृत श्रृंखला, तो ये आपकी शाखित विवृत श्रृंखला क्या होती है, मीन ब्रांच्ड ओपन चैन। तो देखिए यहां पर क्या होता है कि जो आपकी मुख्य श्रृंखला होती है, ठीक है, जो मेन चैन होती है उसमें आपके कोई अदर एज कोई एल्किल ग्रुप, ठीक है, या कोई प्रतिस्थापक इस तरीके से जब जुड़ जाते हैं तो क्या होती है, ब्रांच के रूप में हो जाती है, शाखा के रूप में हो जाती है, शाखित हो जाती है। तो यहां पर देखिए जैसे मैंने लिया, यहां पर इस तरीके से ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर मैंने क्या किया, एक कार्बन जोड़ दिया। ठीक है, तो इससे देखो इस कार्बन, जब एक कार्बन जोड़ दिया तो क्या हो गया, ये शाखा के रूप में हो गया कि नहीं हो गया, या फिर इससे मैंने क्या किया, फिर से एक जोड़ दिया इस तरीके से। अब इसको हम आगे बढ़ाते चले जाएं, ठीक है, देखिए यहां पर, तो यहाँ पर क्या हो गया, सॉरी अभी मैंने और मैं हाइड्रोजन जोड़ दिया और मैं हाइड्रोजन नहीं जोड़ा, चलिए ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, ठीक है, इस तरीके से आप देखिए, चलिए ये आपका क्या हो गया, इस तरीके से मैंने क्या किया कि ये आपकी जो होगी फ्रेंड्स मेन चेन होगी। ठीक है, आपकी ये क्या होगी, मुख्य श्रृंखला होगी, मेन चेन, ये आपकी क्या होगी, मेन चेन होगी। अब इस मेन चेन में देखो आपके दो कार्बन इस तरीके से ऐड हो गए, ठीक है, तो ये क्या होगी, ये आपकी शाखा हो गई। ठीक है, क्या हो गई, शाखा हो गई, तो इसको इसलिए हमने क्या नाम दे दिया, शाखित विवृत श्रृंखला। मतलब शाखा के रूप में भी होती है और विवृत, फ्रेंड्स विवृत का मतलब होता है, विवृत का मतलब होता है ओपन, मतलब खुली हुई। ठीक है, तो कैसी श्रृंखला है, खुली तो है ना, कहाँ बंद है भाई, बंद कैसे होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो तो समझ में आ रहा, चलो अब इसी को देखो, इसी स्ट्रक्चर पे बेस्ड देखो मैं कोई कंपाउंड ले रहा हूं इस तरीके से, अगर देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने लिया सपोज ले CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH यहाँ पर मान लो मैंने CH3 ऐड कर दिया, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए यहाँ पर आपकी जो मेन श्रृंखला होगी, मुख्य चेन होगी, कौन होगी, ये होगी आपकी मुख्य श्रृंखला, ये होगी। अब देखो ये आपका साइड में CH3 एल्किल ग्रुप जुड़ गया, तो ये क्या हो जाएगी, शाखा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो इसका मतलब किसके अंतर्गत आएगा, शाखित विवृत श्रृंखला, खुला भी है और शाखा के रूप में भी है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 इधर से गिनती करते हैं तब भी तीसरे नंबर पर है, 1 2 3 इधर से भी तीसरे नंबर पर आ रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, CH3 होता तो मेथिल होता है, तो क्या हो जाएगा, 2 मेथिल। अब कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 है, तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड होता तो एन लगाने का, तो क्या हो जाएगा, 2 मेथिल पेंटेन। ठीक है, तो ये आपका किसका एग्जाम्पल है, शाखित विवृत श्रृंखला का। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्लास कैसी लगी हमें जरूर बताया करो यार आप लोग। ठीक है, चलो आगे देखिए, यहां पर मैंने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3 हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड CH2
टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, बड़ी लंबी चेन बन गई भाई। अब इसमें देखें हमारी मुख्य श्रृंखला कौन सी होगी, मेन चेन हमारी कौन सी होगी, तो मेन चेन हमारी क्या होगी, ये होगी, ठीक है, ये होगी। और ऑल फ्रेंड्स आपको एक ही चीज़ बता दें, अगर हम गिनती ऐसे लेके ऐसे करते हैं ऐसे, ठीक है, इस तरीके से अगर हम गिनती करें तो यहाँ पर अगर ये हमारी लंबी चेन बन जाएगी तो इसको हम ऐसे पर फैला देंगे, ये ऊपर हो जाएगा, हालांकि लेकिन गिनती करने पे हमारा यही सब ज़्यादा होगा, ठीक है। तो चलो हमारी ये मुख्य श्रृंखला होगी और ये चेन के रूप में, मतलब ये शाखा के रूप में जुड़ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, शाखा श्रृंखला के रूप में। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 इधर से नंबरिंग करने 4 आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 5 5 आ रहा है, तो उधर से नंबरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। अब देखिए सी एच टू सी एच थ्री, तो इसका मतलब सी सी क्या हो जाएगा आपका सी टू, और टू और थ्री कितना हो जाएगा 5, तो एच 5 हो जाएगा, और सी टू एच 5 को क्या बोलते हैं, एथिल बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 एथिल, ठीक है, क्या हो जाएगा 4 एथिल। और कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो क्या हो जाएगा ऑक्ट, और ऑक्ट में एन जोड़ोगे क्या हो जाएगा ऑक्टेन, ठीक है। तो क्या नाम होगा इसका, 4 एथिल ऑक्टेन। तो ये रहा आपका शाखित श्रृंखला के रूप में, ठीक है, चलो समझ में आ रहा है ना, चलो आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं वलय के बारे में, ठीक है। वलय मैंने क्या बताया था, वलय को क्या बोलते हैं, बंद श्रृंखला, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, बंद श्रृंखला। तो ये बंद श्रृंखला क्या होता है फ्रेंड्स, देखो यहाँ पर क्या होता है, जो कार्बन श्रृंखलन का गुण प्रदर्शित करता है उसमें क्या होता है, कार्बन आपस में एक पूरी तरीके से मतलब बंद होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, बंद होते हैं, मतलब पूरी तरीके से क्लोज्ड होते हैं, ओपन चेन नहीं होती, खुली श्रृंखला इसमें नहीं होती, पूरी तरीके से इसमें बंद श्रृंखला होती है। तो देखो यहाँ पर जैसे मैंने लिया एग्जाम्पल, सपोज मैं ले लूँ आपका, चलो मैंने इस तरीके से ले लिया ऐसे एक अब मैं पूछूँ इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर ये क्या बना दिया आपने, ट्रायंगल बना दिया, बट ये ट्रायंगल नहीं है, यहाँ पर आपको समझना है, ठीक है, ये क्या है आपका, मतलब जहाँ पर आपकी देखो ये रेखा आपको जैसे मिली हुई नज़र आती है, ठीक है, तो ये क्या होता है एक्चुअल में एक बॉन्ड जैसा काम करता है, और ये क्या होता है आपका, जहाँ पर ये दोनों मिले हुए होते हैं वो वहाँ क्या होता है, कार्बन होता है, मतलब जहाँ जहाँ मोड़ होता है, या जहाँ जहाँ जोड़ होता है, या जहाँ जहाँ कोण होता है, आप ऐसे समझ लो, जहाँ जहाँ जोड़ हो, या जहाँ जहाँ मोड़ हो, या जहाँ जहाँ कोण हो, भाई कोण भी तो बन जाएगा ऐसे में, ठीक है, मैथमेटिक्स के हिसाब से। चलो तो यहाँ पर आपको ध्यान दे रहा है कि यहाँ पर आपका क्या है, कार्बन है, तो सी, फिर इस तरीके से मान लीजिए सी, फिर इस तरीके से, फिर यहाँ पे क्या होगा सी, लेकिन कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है क्या, नहीं पूरी हो रही है, तो क्या करना पड़ेगा, इस कार्बन की वैलेंसी के लिए कितने बॉन्ड चाहिए, दो और चाहिए, तो मतलब क्या करेंगे हम, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे ऐसे, और एक हाइड्रोजन ऐसे जोड़ देंगे, और इसमें भी क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और इसमें भी एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। तो अब आप देखो, देखने वाले क्या है, ये बंद श्रृंखला है कि नहीं, कि पूरी तरीके से बंद है। देखिए आप इसको और इस तरीके से लिख सकते हैं, सी एस टू एस टू सी सिंगल बॉन्ड सी एस टू, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपकी कैसी श्रृंखला है, बंद श्रृंखला है। इसका नाम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो जब बंद श्रृंखला वाले होते हैं उसके नाम के पहले साइक्लो लगाते हैं। तो देखो कार्बन कितने हैं, कार्बन आपके 1 2 3, इसमें चाहे गिर लो चाहे इसमें गिर लो, 1 2 3, तो 3 है, तो क्या करते हो आप, प्रोप करते हो, और सिंगल बॉन्ड से ही तो जुड़े हैं ना सब, या क्या आपका सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, ये आपका क्या सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड जुड़े क्या करोगे, प्रोपेन, लेकिन उसके पहले आपको लगाना पड़ता है साइक्लो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। तो ये किसके अंतर्गत आता है, वलय श्रृंखला, मतलब बंद श्रृंखला के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसी तरीके से अगर हम ले लें यहां पर ऐसे, ठीक है, और मैं पूछूं इसका नाम बताओ, और ये बाप रे ये क्या बना दिए, है ना, आयत बना दिए, बट ये आयत नहीं है, यहां पर आपको क्या ध्यान देना है कि यहाँ भी वही कंडीशन होगी जहाँ जहाँ जुड़े होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कार्बन सिंगल बॉन्ड सी, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड सी, इस तरीके से लगा देना, आपस में इनको इस तरीके से बॉन्ड की तरह जोड़ देना। अब आप देखो कितने कितने की ज़रूरत है इनको, भाई दो दो बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, मतलब वैलेंसी सिर्फ दो ही पूरी है, जबकि होती कितनी, चार। तो आप क्या करोगे, सी एस टू एस टू, यहाँ भी क्या करोगे एस टू, यहाँ भी क्या करोगे एस टू, हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो, और चार कार्बन है तो क्या होगा, ब्यूट प्लस एन, तो क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन हो जाएगा,
समझ में आ रही बात है, साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं और एग्जांपल देखिए, यहां पर मैं एस इस तरीके से ले ले रहा हूं, ठीक है। चलो भाई यहां पर एस से मैंने लिया। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, और ये भी क्या है, बंद है, ठीक है। कैसा है, बंद है, मतलब इसका जो शेप बनेगा इस तरीके से बनेगा। ओह चलो कोई बात नहीं, ठीक है ऐसे बनेगा इसका शेप, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अब बंद श्रृंखला है तो नाम के पहले क्या लगाओगे, साइक्लो, और उसके बाद कार्बन कितने हैं, 5 है, तो पेंट प्लस एन, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन, मतलब साइक्लो पेंटेन हो जाएगा इसका नाम। तो ये किसके अंतर्गत आया, वलय के अंतर्गत आया, मतलब बंद श्रृंखला यौगिक के अंतर्गत आ गया आपका। चलिए एक और बेहद खूबसूरत सा एग्जाम्पल देखते हैं, बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मैंने लिया इस तरीके से, एक शेप लिया मैं एस से, ठीक, क्या बोलोगे, बेंजीन है जी, बेंजीन का तो ऐसे होता है इस तरीके से, ठीक है ऐसे, या फिर ये आपका क्या रहा, बेंजीन, ठीक है ये आपका क्या है, बेंजीन, आपने देख लिया बेंजीन का भी यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ठीक, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और एक एक हाइड्रोजन सबसे क्या हो जाएगा, जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ओवरऑल बेंजीन है ही है, ठीक है ये आपका क्या है, बेंजीन है। इसी तरीके से एक संरचना और होती है जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही लगे होते हैं, ठीक है, तो उसका नाम क्या होता है, ये भी देख लीजिए। ओवरऑल ये सब किसके अंतर्गत आ रहे हैं, बंद श्रृंखला के अंतर्गत आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिया एक कार्बन यहाँ, ठीक है, सिंगल सिंगल बॉन्ड इस तरीके से मैंने किया, फिर सिंगल बॉन्ड इस तरीके से, चलो कोई बड़ा कोई छोटा कोई बात नहीं भाई, तो सिंगल बॉन्ड एच। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं सबसे अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड एक एक हाइड्रोजन जोड़ूंगा तब भी कंप्लीट नहीं होगा, अगर इसको मैंने सिंगल बॉन्ड जोड़ा सबको, तो क्या हो जाएगा आपका, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, और फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, और इसके लिए भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, और यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, और यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, ठीक है फ्रेंड्स। तभी जाके कार्बन के चारों वैलेंसी पूरी, देखो इस कार्बन के 1 2 3 4, इसके लिए भी चार पूरा, इसके लिए 1 2 3 1 4, ठीक है। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो कितने कार्बन, 6 कार्बन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन, ठीक है, 6 होता तो क्या होता है, हेक्स, और फिर इसमें क्या लगा देंगे, एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन। तो ये रही बातें हमने सीखा किसके बारे में, कैटेनेशन, मतलब श्रृंखलन के बारे में हम लोगों ने आज स्टडी किया। क्या हम लोगों ने सीखा, एक बार जरा सरसरी निगाह से देख लेते हैं। कैटेनेशन में हमने सीखा कि जो तत्व होते हैं समान तत्व, मतलब एक जुड़कर एक लंबी चेन बनाते हैं, एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं, तो इस गुण को हम क्या बोलते हैं, श्रृंखलन बोलते हैं। तत्व के इस गुण को हम क्या बोलते हैं, श्रृंखलन बोलते हैं। श्रृंखलन जो होता है आपका 3 प्रकार से होता है, एक होता है आपका अशाखित, दूसरा होता है शाखित, और तीसरा होता है आपका बंद श्रृंखला। इतनी बातें हमको इसमें सीखने को मिलती हैं फ्रेंड्स। ये बातें आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ताकि अगर नॉमनक्लेचर में करवाओ तो आपको वहाँ पर बातें अच्छे से और समझ, मतलब वहाँ पर आप और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये बातें समझ में आ ही गई होंगी, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी आपके हिसाब से ज़रूर बताइएगा, और अगर क्लास यूजफुल लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं आप तो स्वागत करता हूँ, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोज़ होती रहे, है ना। चलिए, और घंटी को बजाना मत भूलना, ठीक है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।